हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्रांच शॉट ऑफ एमएस के बायोलॉजी। लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं डाई हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है मेंडल ने टू कैरेक्टर को कंसीडर किया था स्टडी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कलर और उसका शेप, इसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसे स्टडी करने के लिए मेंडल ने टू शीट लिए, एक का कलर था येलो जिसका शेप होगा राउंड और दूसरा था रिंकल जिसका कलर था ग्रीन। राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, ये दोनों फिजिकल अपेरियंस शो करते हैं, इस वजह से इन्हें फिनोटाइप कहा जाएगा। राउंड एंड येलो को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंडल ने टू कैपिटल आर एंड टू कैपिटल वाई लिए, जबकि रिंकल ग्रीन को रिप्रेजेंट करने के लिए टू स्मॉल आर एंड टू स्मॉल वाई लिए। ये जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन थी जिस वजह से इसे जीनोटाइप कहते हैं। राउंड एंड येलो के लिए गैमेट कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई फॉर्म होगा, जबकि रिंकल ग्रीन के लिए स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई फॉर्म होगा। मेंडल ने इन दोनों की आपस में रिप्रोडक्शन करवा दी, जिसकी वजह से F1 जनरेशन में जितने भी शीट थे सारे राउंड एंड येलो होंगे, जबकि इनका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई फॉर्म होगा। अब मेंडल को करना क्या था, उन्होंने F1 जनरेशन की आपस में रिप्रोडक्शन करवा दी, जिसकी वजह से F2 जनरेशन में 9 राउंड येलो शीट फॉर्म होंगे, जबकि 3 राउंड ग्रीन और रिंकल येलो भी 3 फॉर्म होंगे, जबकि रिंकल ग्रीन 1 फॉर्म होगा। दिस आर द मेन थिंग वी ऑब्टेन फ्रॉम द F2 जनरेशन। यही था हमारा वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग डायहाइब्रिड क्रॉस। अब प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बी एडिक्टेड ऑफ MSK बायोलॉजी टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट। थैंक्स अ लॉट।